हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम सीखने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से फैब्रिक पेंटिंग। इसके लिए हम चाहिए ऑर्गेन्जा का दुपट्टा फैब्रिक के लिए और कुछ सीक्वेंस जो कि आपके फेवरेट हों। हमें अलग अलग कलर के सीक्वेंस चाहिए, एक ही कलर के नहीं, और कुछ फेवरिक कलर। फेवरिक कलर आपको जो पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। अब हम बिछा देंगे ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। उसके सरफेस के नीचे कोई चादर बिछानी है ताकि आपका जो फेवरेट पेंट है वो किसी और चीज़ पर ना लगे। अब हम ले लेंगे फैब्रिक पेंट। कलर आप अपनी मर्जी से चूज कर लें, जो भी आपको पसंद हो। और उसके बाद हम कलर निकालेंगे किसी चीज में और इसके अंदर हम डालेंगे ब्लेंडर। ब्लेंडर से ये है कि कलर आपका थोड़ा पतला हो जाएगा। फ्लावर आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप की बना सकते हैं। हमारा पहला फ्लावर कंप्लीट हो गया है। इसे हम सूखने देंगे, उसके बाद दूसरी कोटिंग लगाएंगे ताकि कलर थोड़ा और डार्क हो जाए, वो नजर आए। मैंने ले लिया है सेकंड कलर। उससे भी आप कोई भी शेप का कोई भी फ्लावर बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। कलर भी आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं। ये फ्लावर भी हो गया कंप्लीट। अब हम लेंगे तीसरा कलर। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर से बनाएंगे इस फ्लावर के पत्ते। ये हो गए हैं पत्ते कंप्लीट। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बॉर्डर को किस तरह से इसके ऊपर सितारे लगे हैं, इसी तरह से हम लगाएंगे अपने फूलों के ऊपर सितारे। इसके लिए हम ले लेंगे फेवरेट ग्लू और इस ग्लू से हम बनाएंगे आउटलाइन। ये कंप्लीट हो गई है आउटलाइन। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी सीक्वेंस। मैंने ले लिए हैं ब्लू कलर के। आप किसी भी कलर के सीक्वेंस लगा सकते हैं। अगर आपको सुई धागे से नहीं लगाने आते तो आप ग्लू से लगा सकते हैं और ये बहुत ही आसान और जल्दी से बन जाने वाला ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। इसी तरह आपको एक एक करके सीक्वेंस लगाना है और दूसरे फूल पर आउटलाइन लगा के कोई और कलर यूज़ करें सीक्वेंस का, ताकि आपके फ्लावर ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। आप चाहें तो सुई धागे से भी कर सकते हैं, पर यह है कि सुई धागे में ज़्यादा टाइम लगता है और ग्लू का भी पक्का ही काम होता है। यह हो गया सेकेंड फ्लावर कंप्लीट। अब मैं ले लूँगी दूसरे कलर के सीक्वेंस, वो लगाऊंगी मैं रेड के ऊपर। आप कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं या कलर के मैचिंग के सीक्वेंस ले सकते हैं। ये भी फ्लावर हो गया है कम्प्लीट। अब मैं लूँगी बड़े साइज़ के सितारे जो कि मैं इनके बीच में लगाऊंगी। मैंने अप्लाई कर दी है ग्लू।
अब मैं इनकी फिलिंग करूंगी बड़े वाले सितारे से। ये मैंने लगा लिए हैं बड़े सितारे, आप चाहें तो अंदर सीक्वेंस भी फिलिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे पत्तों के आउटलाइन ग्लू से और उसको फिलिंग करेंगे पत्ते की शेप वाले सीक्वेंस से। और मैंने छोटे से फूल वाले सितारे ले लिए हैं। इसी तरह हमें सारे पत्ते बनाने हैं और ये हमारा लुक हो गया है कंप्लीट। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप ले लें गुट्टा, वो आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। दूसरी ट्रिक ये है, ये मैंने ले लिया है एक गुट्टा और मैं इसी से ही पत्तों की शेप बनाऊंगी। बिल्कुल आउटलाइन बनाकर मैं इसी से ही अंदर की फिलिंग कर दूंगी। आप चाहें तो इसी से आप फूलों के भी आउटलाइन बना सकते हैं, बहुत इजी है। और मैंने ले लिया है गोल्डन कलर, इससे मैं बनाऊंगी पत्तों की डंडियाँ। इसी के साथ साथ मेरा हो गया है दुपट्टा कंप्लीट। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये है दुपट्टे का फुल लुक, मैंने इसके बॉर्डर पे करवाया है कटवर्क। कटवर्क करवाने से और भी हसीन लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।